हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस फॉर अचीवर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको वीवीएम 2020-21 की तैयारी करवा रहा हूं, तो उसके लिए हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है। उसके साथ साथ हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी प्रोवाइड की थी, उसी तरह उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर मेघनाथ शाह एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन साइंस। तो सबसे पहले बात आती है उनकी बर्थ की। तो उनका बर्थ 6 अक्टूबर 1893 सारोतोली ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो ये आपको, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, बाद में अभी साइड में हो रहा हूँ तो ले सकते हो इसको। तो बात आती है उनकी बर्थ की, तो 6 अक्टूबर 1893 एट सारोतोली ढाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुई थी। और वहाँ पर ढाका के एक गाँव था, वहाँ पे क्या नाम था, सारोतोली, वहाँ पे हुई थी। बात आते उनके फादर, उनके फादर का नेम था डॉक्टर जगन्नाथ शाह, मदर का नेम था भुवनेश्वरी देवी। वो एक, उनकी मदर हाउसवाइफ थी और उनके फादर क्या थे, एक शॉप कीपर थे, ये भी पूछ सकते हैं। बात आती है उनकी एजुकेशन की, फॉर्मल एजुकेशन, तो उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो अपना जो स्कूल था वो ढाका कॉलेजिएट स्कूल से की थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब इंडिया में एक मोमेंट चल रहा था स्वदेशी मोमेंट, उस मोमेंट में उनका पार्टिसिपेशन मिला, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट था उन्होंने उनको स्कूल से लीव कर दिया। मतलब ये हुआ, ही वाज फोर्स, उनको फोर्स किया गया ढाका कॉलेज स्कूल से लीव करने के लिए, क्योंकि उनका स्वदेशी मोमेंट में क्या था, पार्टिसिपेशन था। जब वो वहाँ से निकाले गए तो उसके बाद उनको इंटर स्कूल सर्टिफिकेट मिली ढाका कॉलेज से ही, और आफ्टर दैट वो MSc करने के लिए और कहाँ चले गए, कोलकाता चले गए, और वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में उन्होंने MSc की। MSc की वो मैथ से की थी, MSc करने के बाद उन्होंने किस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, कहाँ कहाँ जॉब किया, इंडिया के लिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो MSc करने के बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर काम करने लगे, और वहाँ पे 1923 से लेकर 1938 तक उन्होंने काम किया। इसी दौरान 1927 में उनको लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। आफ्टर दैट 1934 में उनको उसका मेंबर बना लिया गया। तो फेलो कब चुना गया, 1927 में, और मेंबर कब बनाया गया, 1934 में, और वहाँ तब तक 38 तक उन्होंने वहाँ काम किया। कहाँ पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जैसे उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ा तो उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1938 से 1956 में, और वहाँ पे एज ए प्रोफेसर एंड डीन काम किया। कॉलेज में डीन भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, तो वहाँ पर एज ए प्रोफेसर और डीन काम किया। और इसी दौरान उनको 21st प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन साइंस चुना गया। इंडियन साइंस कांग्रेस का 21st प्रेजिडेंट कौन थे, डॉक्टर मेघनाथ शाह। बात आते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस में, तो साइंस में उनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये आपको मैंने ग्रीन लेटर्स में दिखा रखा, यही है बस। देखो, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन 1920 के अंदर एलिमेंट्स की जो थर्मल आयोनाइजेशन होती है उसको उन्होंने बताया था, और इससे उन्होंने एक इक्वेशन निकाली थी, शाह इक्वेशन नाम दिया गया उसको। और ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन का यूज करके उन्होंने क्या बताया, एक स्टार के स्पेक्ट्रम को, तारे होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को रिलेट किया उसके टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर का क्या मायना होता है किसमें, हमें स्टार के स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करने में। और इसीलिए उन्होंने आगे चल करके शाह इंस्टीट्यूट बनाया ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स 1947 में। तो पूछे, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कब बनाया गया, 1947 के अंदर। बात आती कुछ और डिस्कवरीज की, तो उन्होंने एटम्स थ्योरी दी, रिलेटिविटी के बारे में बताया, और स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन ऑफ वाइट लाइट के बारे में बताया। जो वाइट लाइट जब गिरती है तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है वो सब इन्होंने बताया। लास्ट आती है, अब इस प्रकार से इंडिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया। एट लास्ट वो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक के कारण क्या हो गया, 16 फरवरी 1956 को वो न्यू दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट आने से उनकी क्या होगी, डेथ होगी।